Assalamu alaikum, dear student. I am Dr. Falak Ali from Blessing Institute of Paramedic, Mirpur Khas Campus. और आज हम अपना सब्जेक्ट जो है फार्मेसी शुरू करते हैं. और जैसे कि फार्मेसी के काफ़ी लेक्चर हो गए हैं, तो एक लेक्चर जो है वो मैं भी आपको दे रही हूँ. सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. जैसे कि आप लोगों ने देखे फार्मेसी पढ़ लिया, नोमन क्लेचर पढ़ लिया, सोर्सेज भी पढ़ ली, अच्छा अब हम आते हैं टर्मिनोलॉजीज पे जो कि फार्मेसी में यूज़ हो रही हैं. सबसे पहले जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी आ रही है, जो कि वर्ड आ रहा है, वो है इल्यूट्रिएशन. इल्यूट्रिएशन में ये होता है कि बेसिकली आप लोग जब कोई सॉल्वेंट होते हैं, आप देखिए आपको ये मिक्सचर होता है, फिर उसमें से जो आपकी जो अनडिजॉल्व चीज़ें होती हैं, जो डिजॉल्व नहीं होती, जो कि बड़े फॉर्म में होती हैं, ये क्या करता है एल्यूट्रिएशन में, ये हो रहा है कि ये जो अनडिजॉल्व थिंग है ना, उसको सेपरेट आउट करता है, ठीक है, इसको फिल्टर आउट करता है. और लेविगेशन में ये होता है कि आप जो है ना, छोटे से छोटा जो पाउडर फॉर्म में किसी भी चीज़ को बनाते जाओ, डिक्रीज करते जाओ, ठीक है. अच्छा ये लिखा हुआ है लेविगेशन का दूसरा भी पॉइंट लिखा हुआ है, दिस मेथड द ड्रग इज़ बर्न इन अ फायर. ड्रग को क्या किया कि फायर के जरिए बंसर बर्नर जैसे होता है, आप लोगों ने अपनी केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, उसमें क्या करते हैं कि इसको आपने अपनी ड्रग को उठाया, उसे फायर किया और वो क्या करेगा पाउडर फॉर्म में आ जाता है. और फिर क्या किया कि उसके जो बिगर एशेज होते हैं, ऐश हम कहते हैं कि राख, राख को ना हम लोगों ने सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है. अब ये तीसरा जो पॉइंट आ रहा है वो है अल्कलॉइड क्या है, ये आपका जो है ना दरख्तों में से जो नाइट्रोजीनस कंपाउंड निकल रहा है, ये उसके बेस पे मत के इसको बता रहे हैं. और इनमें से कुछ अल्कोहल जो है वो पॉइजन्स भी होते हैं, टॉक्सिक भी होते हैं, ठीक है. और क्या कह रहे हैं इसमें, अच्छा ये कह रहे हैं कि जो हमें जो है ना अल्कोहल को जो है ना क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि ये रेड लिटमस पेपर होता है ना, उसको ब्लू में टर्न कर देता है. अच्छा सम अल्कलॉइड्स आर पॉइजनस, अब वही बात कि ये ना हार्मफुल भी होते हैं, इसमें इनमें जहर होता है, ठीक है. जैसे कि आप लोगों ने आगे वाले चैप्टर में जो है टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा है कि सोर्सेज क्या है, हमें किस किस ज़रिए मतलब सोर्स है हमें जो मेडिसिन हम लोग बना सकते, उसी तरीके से ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ टर्मिनोलॉजी वगैरह, इसमें क्या हो रहा है कि आप कोई चीज़ जो है वो अपनी लैब में उसके लिए मतलब कि नीड हो, ये भी एक सोर्सेज की टाइप है, आप समझ लें ये भी एक सोर्सेज की टाइप है. अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें दूसरी आ रही है ग्लाइकोसाइड्स आ रही हैं. अब ग्लाइकोसाइड्स क्या कह रहे हैं, ये कंबाइन होती है एसिड से और जो है ना ये क्या कर रही है, ये फॉर्म करवा रही है, क्या है ये इस कंबाइन विथ एन एसिड रिजल्ट इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में रिजल्ट करती है. और ये क्या कर रही है कि और जैसे कि दूसरे कंपाउंड है अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, फिनोल है, ये क्या कर रही है, इसके बनाने में भी हेल्प कर रही है. अच्छा अब इसमें ये भी कह रहे हैं कि जो ग्लाइकोसाइड्स हैं उनमें कुछ ग्लाइकोसाइड्स में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है एंड नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, ठीक है. अब सल्फर को याद होगा कि सल्फर किस में यूज़ होता है, ठीक है. अब ये जो पर्सनलेशन में क्या कह रहे हैं कि जैसे कि वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, इथर हो गया, इसमें क्या कह रहे हैं कि जो आपकी मेडिसिन है ना उसको हम लोग डिसॉल्व करते हैं और लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं, जैसे कि सीरप वगैरह बनाते हैं. अब ये जो मैक क्रिएशन में क्या हो रहा है कि आप टिंचर बना रहे हैं, जैसे कि उसमें क्या हो रहा है कि आप कोई सी भी ड्रग लेते हैं, उसको कोट करते हैं, सोक करते हैं अल्कोहल में और उसको हिलाते रहते हैं, कीप कीप स्टीयरिंग का मतलब है हिलाना, ठीक है, उसको हिलाते रहते हैं, क्या करता है अपना कलर भी चेंज करता है और वो ये जो है ना टिंचर बनाने में भी हेल्प करता है. अच्छा जी अब क्लेटिंग एजेंट में क्या कह रहे हैं, अच्छा जी क्लेटिंग एजेंट में ये कह रहे हैं द क्लेटिंग एजेंट्स आर यूज टू रिड्यूस ब्लड एंड टिश्यू लेवल ऑफ इंजरीज हैवी मेटल, ठीक है. अब ये क्या करें, रिड्यूस करें आपके ब्लड लेवल, ब्लड को और टिश्यू लेवल को, कि वो इंजरीज की फॉर्म में हो. और इसमें क्या कह रहा है कि ये इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो बेस करती है हैवी मेटल पे, आयरन पे, कॉपर पे, मरकरी पे, सेम. तो ये आपका यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया, बाकी का जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट करेंगे.